नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लास में, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिप्रेसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज डिप्रेसिएशन से संबंधित एक ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं जिसमें डिप्रेसिएशन रेट बीच के वर्षों में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2008 फॉर ₹1,60,000। 1,60,000 रुपये की एक मशीन एक्स कंपनी लिमिटेड खरीदती है और उसके बाद ऑन October 1, 2009 अनदर मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹1,00,000। ये 4,000 है, यहाँ मिस्टेक बस ये हो गया है, तो इसको हम 1,04,000 लिख सकते हैं। तो ये 1,04,000 की एक दूसरी मशीन खरीदी गई October 2010, द फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹1,20,000। अब देखिए यहाँ पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स कंपनी परचेज करती है एक मशीन 1 अप्रैल 2008 को 1,60,000 रुपये में, उसके बाद October 1, 2009 को एक दूसरी मशीन वो परचेज करती है जो 1,04,000 रुपये की वैल्यू की है। अब आगे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मशीन थी उसको वह October 1, 2010 को वो सोल्ड आउट कर दे रहा है, बेच दे रहा है वो, और कितने में बेच रहा है, तो 1,20,000, 1,20,000 रुपये में वो बेच दे रहा है। अब कह रहा है ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वाज परचेज्ड, 1 अक्टूबर को जब वो मशीन सोल्ड कर रहा है तो उसी सेम डेट में वो एक अनदर न्यू मशीनरी परचेज कर रहा है और उसका जो वैल्यू है वो 1,00,000 रुपीज है, 1,00,000 रुपये है। उसके बाद ऑन October 1, 2011 द सेकेंड मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹92,000। दूसरी मशीन जो थी वो सोल्ड कर दे रहा है, वो कब सोल्ड कर रहा है, तो October 1, 2011 को सोल्ड कर दे रहा है। अब कह रहा है कि रेट ऑफ डिप्रेसिएशन वाज 10%। इस जो बिजनेस ड्यूरेशन है, बिजनेस के दौरान जो डिप्रेसिएशन रेट है वो 10% है ऑन ओरिजिनल कास्ट एनुअली। जो उसका ओरिजिनल कास्ट है उस पे 10% के दर से वार्षिक डिप्रेसिएशन चार्ज किया जा रहा है। ऑन 31 मार्च 2011 द मेथड वाज चेंजिंग डिप्रेसिएशन वाज चेंज टू, जो ये डिप्रेसिएशन चार्जिंग का मेथड है जो आप देख रहे हैं कि पहले 10% था, अब वो चेंज हो जाता है 2011 में और चेंज हो करके उसका रेट हो जा रहा है 15%। लेकिन ये केवल रेट ही नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखिए तो जो यहाँ पर चेंज टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये आकर के 15% हो जाता है। अब ये कह रहा है इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट्स को ये तैयार करने को कह रहा है। अब ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 के लिए कह रहा है, 2010 के लिए कह रहा है, 2011 के लिए कह रहा है और 2012 के लिए कह रहा है। तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है इसमें मशीनरी कितनी खरीदी गई है, तो कुल मिलाकर के एक मशीनरी 1,60,000 रुपए की परचेज की गई है, दूसरी मशीनरी 1,04,000 रुपए की परचेज की गई है, और उसके बाद जो पहली मशीन थी उसे
सेल कर दिया जाता है उसके बाद, और उसे सेल किया जाता है 1,20,000 रुपये में। उसके बाद फिर से एक मशीनरी खरीदी गई थी 1,00,000 रुपये में। और इस प्रकार से एक और मशीन जो थी उसे हमने 92,000 में सेल कर दिया था। उसके बाद डिप्रेसिएशन का जो रेट था, जो 10% था, बाद में आकर के वो 15% हो जा रहा है। और ये 15% कब चेंज किया जा रहा है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये चेंज हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है, और ईयर है हमारा 2011 में चेंज हो रहा है। उसके बाद कहता है कि प्रिपेयर, अब क्या क्या बनाना है, हमें केवल मशीनरी अकाउंट बनाने हैं, और मशीनरी अकाउंट कितने वर्षों का बनाना है, तो 2009, 10, 11 और 12, ये 4 ईयर का मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तब आइए अब मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे। ये देखिए मशीनरी अकाउंट हमारा प्रोफार्मा है। अब इसमें हम क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते चलेंगे। तो अब पहली मशीन हमारी जो थी 1 अप्रैल 2008 को थी, 1,60,000 की परचेज की गई थी। तो यहाँ देखिए 2008 अप्रैल 1 को हमारा टू बैंक हमने मशीनरी को परचेज किया। तो मशीनरी जब परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उस जनरल एंट्री के बिहाफ पे मशीनरी अकाउंट में हम टू बैंक अकाउंट लिख करके उसके अमाउंट को लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब ये 31 मार्च को इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट क्लोज करने के पहले डिप्रेसिएशन भी हम चार्ज करेंगे। तो उस पर्टिकुलर ईयर 2008 का जो डिप्रेसिएशन होगा उसे हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो अब 1,60,000 की मशीन थी, 10% हमारा डिप्रेसिएशन था। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये डिप्रेसिएशन जो हमारा हो रहा है 1,60,000, इसको हम देखें तो एट द रेट 10% के हिसाब से तो ये हमारा निकल करके आएगा 16,000 निकल करके आएगा। तो ये देखिए 16,000 यहाँ पे हमारा डिप्रेसिएशन 1,60,000 पे 10%, अब फुल ईयर का है तो 16,000 हमारा डिप्रेसिएशन हुआ। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको क्लोज करेंगे तो 1,60,000 डिप्रेसिएशन के बाद जो बैलेंस बचता है 1,44,000, ये हमारा क्या है तो बैलेंस कैरी डाउन है। तो 2008 का हमारा मशीनरी अकाउंट जो है 2008 का हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2009 में देखते हैं तो 2009 में फर्स्ट अप्रैल हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो 1 अप्रैल को हमारा बैलेंसिंग फिगर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, तो जो कैरी डाउन का अमाउंट होता है ये हमारा अमाउंट यहाँ पे ब्रॉट डाउन का अमाउंट है। अब देखेंगे कि 2009 में हमने कोई मशीन परचेज किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2009 अनदर मशीन वाज परचेज रुपीज 1,04,000। तो हमने एक मशीन परचेज कर रखा है, तो यहाँ पर उस मशीन को कब खरीदे हैं तो 1 अक्टूबर को हम परचेज किए हुए हैं। तो यहाँ देखिए 1 अक्टूबर को हम टू बैंक अकाउंट मशीनरी परचेज के टाइम बैंक अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करते हैं मशीनरी अकाउंट में। तो अब देखिए ये अमाउंट जो है 1,04,000 है, ये यहाँ गलती से 140 प्रिंट हो गया था। अब देखिए ये परचेज हमने कर लिया, अब 1,44 और 1,42,48,000 रुपये हमारा टोटल
आ गया। उसके बाद अब देखते हैं तो इस पर्टिकुलर ईयर 2009 में डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे। अब यहाँ डिप्रेसिएशन का चार्ज करते समय हमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी पहली मशीन थी जो 2008 में हमने परचेज कर रखा था कितने का, 1,60,000 का। तो अब देखिए 1,60,000 के मशीनरी पे हमने यहाँ पे डिप्रेसिएशन चार्ज किया था। इसके लिए हम देखिए वर्किंग नोट आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वर्किंग नोट में डिप्रेसिएशन ऑन मशीन फॉर वन ईयर इंडेड 31 मार्च 2010 को जो समाप्त हो रहा है उस पे हमारा डिप्रेसिएशन ये क्या रहा है, तो ऑन फर्स्ट मशीनरी, पहली मशीनरी हमारी कितने की थी तो 1,60,000 रुपये की, उस पर 10% के हिसाब से अगर डिप्रेसिएशन हम चार्ज करते हैं तो ये 16,000 हमारा डिप्रेसिएशन मिला। अब दूसरी मशीन हम कब खरीद रहे हैं, तो दूसरी मशीन हमारा ये 2009 को अक्टूबर में लिया जा रहा है, तो जिसकी हमने यहाँ अकाउंट में पोस्टिंग कर रखी है। अब इस पे हम जो डिप्रेसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो इस 2009 ईयर के लिए हमें फुल डिप्रेसिएशन की वैल्यू मिलेगी क्योंकि हमारी मशीनरी इस 2009 ईयर के लिए फुल टाइम रही। कौन सी, फर्स्ट मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी पे डिप्रेसिएशन हमारा 16,000 का था तो ये डिप्रेसिएशन हो गया। अब जो सेकेंड मशीनरी हम परचेज किए हैं तो ये हम सेकेंड मशीनरी परचेज कब किए हैं, अक्टूबर 1st को, तो अक्टूबर 1st 31 मार्च के तक जो हमारा ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का ड्यूरेशन है। उसमें हमारा ये मशीनरी हमने खरीदा था कितने का, 1,04,000 का, उस पर 6 मंथ का डिप्रेसिएशन देखिए 10% के रेट से 5,200 रुपीज हुआ। टोटल डिप्रेसिएशन हमारा 21,200 का हुआ। यहाँ पर देखिए डिप्रेसिएशन को हम यहाँ दिखाते हैं बाय डिप्रेसिएशन 21,200 का भी ये दिखाएंगे तो 31 मार्च 2010 को। अब यहाँ पर 31 मार्च को बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या है, तो हमारे पास दो साल दो मशीनरी का है, एक 2008 के ईयर का और एक 2009 के ईयर का। 2008 के मशीनरी का जो बैलेंसिंग फिगर हमारा यहाँ मिल आया था 1,44,000 और ये न्यू मशीनरी 1,04,000, दोनों मिलकर के 2,48,000 रुपीज हुआ। अब इसमें डिप्रेसिएशन हमारा जो अलग अलग आपको यहाँ पे हमने दिखाया 16,000 और 5,200, टोटल मिलकर के 21,200 रुपीज हुआ। अब बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना बचा, तो 2,26,800 रुपीज। अब ये हमारा आ जाएगा ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन कब होगा, तो ये 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 2,26,800 रुपीज है। अब इस पर्टिकुलर ईयर में हम देखें तो जैसा कि हमारा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर्टिकुलर ईयर में भी हमने एक मशीनरी परचेज की है और उस मशीनरी का वैल्यू जो है वो 1,00,000 रुपीज है और कब हमने खरीदा है, तो कह रहा है कि सेम डेट। और वो सेम डेट क्या है, तो सेम डेट वो है जब हम फर्स्ट मशीनरी को सेल आउट कर रहे हैं। फर्स्ट मशीनरी हमारी कितने की थी, तो 1,60,000 रुपए की थी, उसको हम सेल कर रहे हैं। कब सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर 2010 को हम इस फर्स्ट मशीनरी को सेल कर रहे हैं। तो जब सेल करते हैं तो उसके लिए हमारा जो जनरल एंट्री पास होता है तो उसके लिए होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब इस हिसाब से बाई बैंक हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बाई बैंक, तो कितने की मशीनरी हम बेच रहे हैं, तो 1,20,000 रुपए की मशीनरी को हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,20,000 रुपए बाई बैंक लिख दिया गया। अब सेल कब किए हैं, तो टाइम हमारा 1 अक्टूबर 2010 था। तो अब देखिए 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर के बीच जो हमें ड्यूरेशन मिलता है उस मशीनरी को बिजनेस में हमने
यूज किया तो वो 6 मंथ का हुआ। अब 6 मंथ का भी हमें डिप्रेसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से हमारा डिप्रेसिएशन उस फर्स्ट मशीनरी पे 16,000 रुपये होता था, और इस 2010 में आए हम तो देखते हैं कि 6 महीना ही मशीनरी यूज हो रही है और उसके बाद वो सेल आउट हो जा रही है। तो यहाँ पर अब डिप्रेसिएशन देखें तो ये 16,000 डिप्रेसिएशन तो पूरे ईयर का है, 6 महीने पे बिक रही है तो उसका जो डिप्रेसिएशन होगा वो पर्टिकुलर 6 मंथ के लिए हमें 8,000 रुपीज मिलेगा। तो ये डिप्रेसिएशन हम यहाँ दिखा देते हैं। अब मशीनरी को भी सेल भी कर दिए तो अब देखिए यहाँ हम देख लें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, किसके लिए, तो उस फर्स्ट मशीन के लिए जिसको हमने 1,60,000 में परचेज किया था और उस मशीनरी को हमने सेल आउट किया अक्टूबर 2010 में, तो उस टाइम कितने में सेल आउट किया, तो 120 में हमने सेल आउट किया था। टोटल मशीनरी हमारी कितनी थी, तो 1,60,000 रुपये। अब 40,000 रुपीज हमें किसके लिए, तो वो डिप्रेसिएशन क्या वैल्यू होगा, तब तो हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, अगर कुछ अंतर आता है तो वो प्रॉफिट या लॉस का सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए 16,000 तो पहले ईयर में डिप्रेसिएशन उस 160 पे चार्ज किया गया था, सेकेंड ईयर में भी 16,000 इसमें इंक्लूडेड है जो यहाँ दिख रहा है, तो 16,16,32,000 हो गया। अब 32,000 रुपये हमें 2 साल में डिप्रेसिएशन चार्ज के रूप में दिखा। उसके बाद जिस वर्ष में हम मशीनरी को सेल कर रहे हैं उस साल भी हमारा डिप्रेसिएशन 8,000 है, तो 32,000 और 8,000 मिलकर के 40,000 हुआ, और मशीनरी हमारी बिकी कितने में, 1,20,000 में बिकी। इस हिसाब से देखें तो 1,60,000 रुपये हमारा पूरा का पूरा दिख रहा है, तो हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ उस मशीनरी पे जिसे हमने सेल किया था 1 अक्टूबर 2010 को। अब हम अगले ईयर में चलते हैं तो उस ईयर में देखते हैं कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इस ईयर में और क्या शेष रह गया। एक मशीनरी तो हमने बेच दिया, दूसरी मशीनरी जो हमारी कितने की थी वो 1,00,000 रुपये की थी, इसका तो डिप्रेसिएशन हमें चार्ज करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ हमने एक मशीन यहाँ भी परचेज कर रखी थी 1,04,000 रुपये की, तो अब ये 2 मशीनरी हमारे पास है जिसका हमें डिप्रेसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसका पूरे साल का डिप्रेसिएशन होगा, और ये मशीनरी हमने कब परचेज कर रखी थी, तो ये मशीनरी हमने परचेज कर रखी थी अक्टूबर को, तो इस पर 6 मंथ का 1,00,000 रुपये की जो मशीनरी है उस पर 6% के हिसाब से डिप्रेसिएशन हमारा चार्ज होगा। तो इसके लिए आप वर्किंग नोट आप यहाँ पर देखिए, तो 1,04,000 रुपये का जो डिप्रेसिएशन हम चार्ज करेंगे तो यहाँ पर ये 10,400 रुपये, और थर्ड मशीन जो हमारी 1,00,000 रुपये की थी तो इस पर तो हम डिप्रेसिएशन चार्ज कितना करेंगे, तो 6 मंथ का ही डिप्रेसिएशन हम चार्ज करेंगे, तो ये 5,000 रुपीज टोटल हमारा डिप्रेसिएशन 15,400 रुपीज इस ड्यूरेशन के लिए है, और जो बची हुई हमारी मशीनरी थी इसमें तो ये 15,400 रुपये हमारा डिप्रेसिएशन का चार्ज हुआ। अब बैलेंसिंग फिगर पे आते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा देखिए ये टोटल अमाउंट हमारा 3,26,800 और यहाँ 3,26,800 हमने अकाउंट क्लोज करने के लिए टोटल किया, उसके बाद ये हमारा बैलेंसिंग फिगर 1,83,400 रुपीज हुआ। अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा, कब ब्रॉड डाउन होगा, 2011 में ब्रॉड डाउन होगा। अब 2011 की जब बात आती है तो 2011 में आप देखें कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑन अक्टूबर 1, 2011 द मेथड, यहाँ पे कह रहा है ऑन अक्टूबर 1
2011 द सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड 92,000, ये 92,000 रुपये में उस मशीन को बेच दिया। तो कब बेचा है? यहाँ पर। तो अब देखिए, यहाँ जब जो बेचने की पोस्टिंग होगी यहाँ पर बाई बैंक कब बेच रहा है, तो 1 अक्टूबर 2011 को, यहाँ 1 अक्टूबर 2011 को मशीन को 92,000 में सेल कर दिया। अब इस ईयर में वो मशीन 6 मंथ के लिए तो हमारे पास थी, तो उस पर डिप्रेसिएशन हमारा चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट 4 में आप देख लीजिए। अब यहाँ पे इस मशीन को हम बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। कैसे प्रॉफिट हो रहा है? तो ये मशीन हमारी कब खरीदी गई थी जिसको हम 92,000 में बेच रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ सेकेंड मशीन, सेकेंड मशीन हमारी कितने की थी, कास्ट प्राइस ऑफ सेकेंड मशीन कितने की थी, तो 1,04,000 रुपीज़ की हमारी ये मशीनरी थी जिसे हम कितने में सेल आउट कर रहे हैं, तो 92,000 में उसको सेल कर रहे हैं। अब इस 1,04,000 पे हमने अब तक कितना डिप्रेसिएशन दे दिया? तो 1,04,000 वाली मशीन हमने यहाँ पे परचेज कर रखा था, तो यहाँ पे 6 महीने का डिप्रेसिएशन हमने दिया था, 6 महीने का डिप्रेसिएशन 5,200 दे दिया था। उसके बाद इस ईयर में आए तो इस ईयर में फुल डिप्रेसिएशन हमने दिया था, तो फुल डिप्रेसिएशन उसका 10,400 रुपये। अब ये देखिए डिप्रेसिएशन ये निकल रहा है, तो ये 15,600, 10,400 और 5,200, 10,400 और 5,200, तो ये टोटल 15,600 रुपये डिप्रेसिएशन हुआ। 15,600 रुपये डिप्रेसिएशन का निकालने के बाद हमारा जो अमाउंट बचता है वो 88,400 रुपीज़ का अमाउंट बचता है। अब देखिए 92,000 में हमने सेल किया और हमारा वो मशीनरी कितने की बची हुई थी, तो 88,400 रुपीज़ की बची हुई थी। इस हिसाब से अगर 92,000 में हम बेच रहे हैं, उसकी कास्ट हमारी 88,400 है, तो उसके भी आपके हम देखते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमारा जो हो रहा है वो यहाँ पर देखिए, ये 92,000 का हमारा है और 88 का कास्ट है, लेकिन कब बेच रहे हैं तो उस समय 6 मंथ का ये देखिए जब है, तो वहाँ का भी तो डिप्रेसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा, तो वो डिप्रेसिएशन देखिए हमारा ये है। तो इस अमाउंट पे हमारा अब डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रेसिएशन चार्ज करते समय हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये हमारा डिप्रेसिएशन 15% चेंज हो गया। अब ये डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड पे जो बैलेंसिंग हमारा फिगर था, बैलेंसिंग फिगर हमारा 88,400 जो हमारे मशीनरी का आफ्टर डिप्रेसिएशन जो वैल्यू बचा है वो अब इस अमाउंट पे 88,400 पे हमारा 15% के हिसाब से डिप्रेसिएशन चार्ज होगा। तो 15% से डिप्रेसिएशन हम चार्ज करेंगे, कितने समय के लिए करेंगे, तो हमारे पास समय, अब अक्टूबर की बात कर रहा है तो वो हमारे पास समय है केवल 6 मंथ, 6 मंथ के लिए हमारे पास डिप्रेसिएशन चार्ज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं सेल प्रोसीजर हमारा 92,000 है, अब 92,000 से ये लेस करते हैं तो हमारा 10,230 रुपये, ये हमारा क्या है, ये प्रॉफिट है उस मशीनरी पे। अब आगे देखते हैं तो ये करने के बाद अब डिप्रेसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, तो डिप्रेसिएशन चार्ज करने के लिए जो शेष मशीन हमारे पास बची हुई है अभी वो रनिंग मोड में है, तो उसके लिए डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 1,00,000 रुपये जो मशीनरी हमारी थी, 10% क्योंकि अभी डिप्रेसिएशन का रेट चेंज है उस समय नहीं हुआ था, तो 6 महीने का हमारा डिप्रेसिएशन यहाँ पर देखिए 5,000। अब उसके बाद जो हमारी मशीनरी बची हुई थी अब वो 95,000 की बची गई। अब 95,000 की जो मशीनरी हमारी थी उस पर डिप्रेसिएशन अब हम 15% चार्ज करेंगे क्योंकि हमारा डिप्रेसिएशन रेट चेंज हो गया है। अब
डिप्रेसिएशन रेट जब चेंज हो गया है तो अब जो हमारे पास WDV बचा हुआ है उस WDV पे हम डिप्रेसिएशन 15% के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो ये देखिए 14,250 रुपीज़ हमारा 15% डिप्रेसिएशन के रेट से मिला। तो ये देखिए डिप्रेसिएशन अकाउंट हमारा यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद बैलेंसिंग फिगर देख लेंगे। बैलेंसिंग फिगर को हम ले जा करके ब्रॉट डाउन कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा मशीनरी अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो आपने देखा कि मशीनरी हमारी खरीदी गई, डिप्रेसिएशन का रेट चल रहा था और बीच में हमारा डिप्रेसिएशन का रेट चेंज हुआ, इसके बाद हमें मशीनरी अकाउंट बनाने को कहा गया। इस प्रकार से बना। आशा करते हैं कि अब डिप्रेसिएशन से संबंधित आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।